हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टेबल प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि टेबल को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर आप कैसे दे सकते हैं सीएसएस के थ्रू। उसके अलावा होवर प्रॉपर्टी आपने यूज करना है टेबल के अंदर तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करेंगे टेबल के अंदर तो वो हम लोग देखेंगे आज के ट्यूटोरियल में। तो सिंपल फर्स्ट आप प्रॉपर हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या होती है। तो फर्स्ट आपका है द टेक्स अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑफ द कंटेनिंग टीएच और टीडी। टीएच एंड टीडी में आपने जो भी लिखा है उस कंटेंट को आपको राइट लेफ्ट और सेंटर में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप टेक्स अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सेकंड आपका है वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। आपको वर्टिकली उसे टॉप बॉटम और मिडिल में करना है तो वो आप कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी, बॉटम से आपको बॉर्डर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। होवर टेबल, टेबल में कुछ होवर एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल बॉर्डर प्रॉपर्टी को भी आप चेंज कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आपकी यूज करेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। फर्स्ट आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए, देन हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, देन इट इज देन सेव इट, सेव एस नेम ऑफ फाइल, फाइल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उससे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेबल डॉट html, देन ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। फर्स्ट स्टार्ट कीजिए आप html आप लिखेंगे, देन आप एंटर करिए तो html के कोड आपके डिफाइन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टेबल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। देन आप यहाँ पर फर्स्ट टेबल डिजाइन कर लीजिए, बॉर्डर बॉडी के अंदर आप टेबल डिजाइन करेंगे तो फर्स्ट आपका टैग रहता है टेबल में टेबल। ये हम लोग सब देख चुके हैं HTML में आप टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, कितनी उसकी प्रॉपर्टी होती है, TR क्या होता है, TH क्या होता है। तो TR आप टेबल रो के लिए यूज करते हैं TR, देन आप यहाँ पर टेबल हेडिंग फर्स्ट डिफाइन करते हैं टेबल हेडिंग। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं नेम, हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग आपने नेम ले ली, देन अगेन हम लोग TH डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं रो नंबर। आप यहाँ पर पेज को भी क्लोज कर दीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट TR को भी यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, दो ही हम लोग कॉलम इसमें डिजाइन कर रहे हैं। देन अगेन आप TR स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट रो के लिए और उसमें आप TD डिफाइन करेंगे। TD के अंदर आप डेटा दे दीजिए, जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है कमल हम लोग दे देते हैं। देन TD आप क्लोज कर देंगे, अगेन आप TD स्टार्ट करेंगे और उसके बाद रोल नंबर आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर दीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए, देन हम लोग TR को भी क्लोज कर देते हैं। फिलहाल हम लोग इतना ही टेबल क्रिएट करते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर वे में इसको सेव कर देंगे, सेव कर दीजिए। इसके बाद इसे सेव करके आप इसे रन करेंगे तो आपने जाना है अपने फोल्डर की तरफ HTML, देन आपका उस फोल्डर के अंदर टेबल डॉट HTML से आपने सेव किया है प्रोग्राम, टेबल डॉट HTML से ओपन कर लेंगे आप। राइट क्लिक करके ब्राउजर पे आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए इसको। देन इसके बाद अब आपका ये आपका एक्चुअल में टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये टेबल आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। बट इसमें एक्चुअल में आपका ना बॉर्डर डिफाइन हो रहा है, कुछ भी चीज आपकी यहाँ पर डिफाइन हो रही है, केवल आपका ये TR फर्स्ट है जिसके अंदर फर्स्ट आपकी ये TH है, ये भी TH है और ये TD है आपके। देन फर्स्ट हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टाइल आप डिफाइन कीजिए, देन स्टाइल के बाद आप यहाँ पर फर्स्ट स्टाइल चेक करते हैं हम लोग टेबल, आपने टेबल लिखना है, देन आप इसकी बॉर्डर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर में आप जितने भी साइज का बॉर्डर देना चाह रहे हैं 4 पिक्सल सॉलिड हम लोग बैक डिफाइन कर देंगे। आप सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद रन कीजिए इसको, इसे हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका टेबल का बॉर्डर डिफाइन हो गया। अभी केवल आपका टेबल का बॉर्डर हुआ है, आपका TD और TR का आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। अगर आपको TH और TD का भी बॉर्डर चाहिए तो आप TH लिख दीजिए, देन कॉमा करके आप TD लिख दीजिए यहाँ पर, देन इसे सेव कर दीजिए। अब आप रिफ्रेश कीजिए इसको तो आपका ये TD एंड TR का भी बॉर्डर क्या है डिफाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसमें, फिलहाल अभी हम लोग इसे टेबल के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट आप टेबल की हाइट एंड विड्थ अगर चेंज करना चाह रहे हैं, हाइट आप डिफाइन कर दीजिए टेबल की, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 40% परसेंट आप इंक्रीज कर दीजिए और विड्थ भी आप 40% ही इंक्रीज कर दीजिए इसकी 40% पिक्सल, जैसे भी आपको डिफाइन करना है उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। देन सेव कीजिए इसको, अगेन इसे रन कीजिए तो ये आपका हाइट एंड विड्थ चेंज हो चुका है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसमें टीएच। अब टीएच का आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। देखिए टीएच आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, थोड़ा सा हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपका ये प्रॉपर वे में डिफाइन हो जाए। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 60%। देन अब आपका टीएच हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, टीएच में आप इसका टेक्स्ट अलाइन ले रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन आप इसका कर रहे हैं राइट। हमने राइट डिफाइन कर दिया है, देन आप सेव करेंगे इसको। तो अभी आप देख रहे होंगे तो ये अभी आपका मिडिल में डिफाइन हो रहा है। सेव करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट लाइन जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो आप प्रॉपर वे में इसे देख सकते हैं, तो ये आपका राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपको टीएच और टीडी का बॉर्डर चेंज करना है तो आप टीएच और टीडी का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग टीएच एंड टीडी का अलग से बॉर्डर कर देते हैं, टीडी, देन आप बॉर्डर चेंज कर दीजिए इसका बॉर्डर, देन आप यहाँ पर दे दीजिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। अभी हम चेंज कर दें ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट में दिख जाए। देन इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका देखिए एक्चुअल में आपका ये बाहर वाला जो बॉर्डर है वो टेबल का है, ये आपका टीएच का बॉर्डर है और ये टीडी का बॉर्डर है। अगर अभी आप देखेंगे तो आपने टीएच में जो भी आपने अलाइनमेंट किया है वो आपने लेफ्ट किया है, तो इसका इसलिए आपका जो टीडी है उसका तो राइट में अलाइनमेंट है, बट आपका टीडी का अलाइनमेंट राइट है। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं, आप सेंटर डिफाइन कर सकते हैं उसको, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसमें देखेंगे होवर प्रॉपर्टी। तो होवर कैसे होगा आपका टीआर, देन आपको टीआर को होवर करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे होवर, देन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर आपने डिफाइन करना है, और बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ग्रीन आपने एंटर किया, देन आपने इसे सेव किया। सेव जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ, इसे रिफ्रेश कीजिए, देखिए तो जैसे ही आप टी आर पे एंटर कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो आपका चेंज हो रहा है। ऐसे आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इस पे आए टी डी पे आए तो आपका इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो उस टाइप से आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट आपके टेबल की प्रॉपर्टी जो आप यूज करेंगे सीएसएस में। अगर आपको टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव क्रिएट करना है तो इसलिए आप डिफरेंट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की। थैंक यू फ्रेंड।